रिपोर्ट शामिल करते हैं माजिद महमूद की अमीर जमायत इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक सिंध के दौरा दौरे पर सखर एयरपोर्ट पहुंच गए उनका कहना था कि सिंध के लोग सैलाब से, से बहुत मुतासर हुए हैं जमात इस्लामी ने सैलाब मुतान की हर मुमकिन मदद की है हुकूमत बड़े बड़े प्लान देती है मगर अमली कोई काम नहीं होता अब तक कोई कौमी असम्बली में भी कोई प्लान या लायाबल नहीं दिया गया बाहर ममालिक वालों ने हौसला अफजा काम किया है नुकसान का अजाला करना चाहिए मगर हुकूमत नहीं जाग रही उनका मजीद कहना था कि नुकसान का असाला करना हुकूमत का काम है मगर आम लोग हमारे रब्ता में हुकूमत नहीं सूबा हुकूमत और वफा की हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातें फेल हो चुकी हैं पी और पी ने पाकिस्तान पर जरकमाल किया और तबाह किया आटा माफिया पेट्रोल माफिया ये सब लोग पी और पी में हैं इलेक्शन कमीशन समेत सब इतारे इन माफिया ने यकमाल बना रखे हैं उनका कहना था कि हमें बाहर किसी से नहीं इन माफिया जमातों से ख़तरा है ये माफिया आसन के सांप हैं इलेक्शन मुलतवी होने की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ उनका कहना था कि शर्म और अफसोस की बात है कि इलेक्शन में तमाम तर तैयारियों के बावजूद सिक्योरिटी के बहाने बनाकर इलेक्शन मुलतवी किया जाता रहा है इलेक्शन कैंसल करना अवाम के साथ मजाक और म है तेईस तारीख को इलेक्शन जरूर होना चाहिए यह मेरा मुतालबा है उनका कहना था कि ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से हमने केस दायर किया है तमाम ट्रांसजेंडर को उनके हकूक मिलने चाहिए मैं मजहबी जमातों की बात नहीं कर रहा मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ कि सब पाकिस्तान की खिदमत करने में फेल हो गए हैं सराजुलहक ने कहा करप्शन से पाक जम्मत इस्लामी है इसको सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें पाक जज्बो न्यूज़ को और बाबर रहें हमारे हर नए आने वाले वीडियो से